तो दोस्तों फाइनली हमने अपने Realme फ़ोन में जो यहाँ पे जो है 5.0 का जो यहाँ पे न्यू अपडेट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ऐसे में जो प्रॉब्लम निकल के आ रही हैं यहाँ पे अपडेट को लेकर वो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि कई सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि अपडेट के बाद हमको चेकआउट करने होते हैं, और एक यूज़र को अगर इन फैक्टर से प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली उनके लिए एक अपडेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स के बारे में, क्या क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमको आफ्टर अपडेट के बाद जो है अपने डिवाइस में देखने को मिल रही है, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सारी चीज़ कंसीडर करेंगे हम, बैटरी ड्रेन हो गया, हैंग हो गया, हीट हो गया, इन सभी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, किस में ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक नया मेजर अपडेट आता है तो यूज़र के अंदर ये होता है कि हाँ चलो नया अपडेट आ रहा है, कुछ यहाँ पे चीज़ फिक्स होने वाला है, लेकिन अगर अपडेट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में यूज़र को बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो आज के इस वीडियो के थ्रू इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए, उनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो सबसे पहला अपडेट रिलीज़ किया गया है यहाँ पे, तो आपको मैं बता दूँ कि बैटरी से रिलेटेड कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हमको फेस करने को मिल रही है। आपको पता है न्यू अपडेट यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, और जो लास्ट 24 आवर्स का एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके सामने ग्राफ के थ्रू आपको दिखाया हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर आपके पास बीटा वर्जन है तो बीटा वर्जन में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू स्टेबल वर्जन। ठीक है, बीटा वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो भाई वहाँ पे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी होगी, लेकिन स्टेबल वर्जन में भी कई सारे डिवाइस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बैटरी की आप ये देख सकते हैं, यूजर्स देख सकते हैं, ग्राफ एकदम अचानक से डाउन होता है। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि जैसे आप चार्ज करते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ स्टेबल होता है, धीरे धीरे जो है यूजेज होता है। अब ये देखिए बैटरी का यूजेज यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से एकदम डाउन गया है। तो कहीं ना कहीं बैटरी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है जो कि फ्यूचर में टीम को फिक्स करनी चाहिए। ठीक है, और अगर बैटरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या इशू हमको देखने को मिलता है तो ऐसे में एक यूज़र के लिए बहुत ही डिसअपॉइंट वाली बात होती है यहाँ पे अपडेट के बाद अगर प्रॉब्लम आती है। तो बात करें नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में, तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पर नेटवर्किंग को लेकर है। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो यहाँ पर 4G और 3G का प्रॉब्लम जो है पहले भी देखने को मिलता था, 2G का प्रॉब्लम पहले भी देखने को मिलता था, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर वो प्रॉब्लम अभी भी इसमें देखने को मिल रही है। मतलब टीम ने अपडेट दिया लेकिन यहाँ पे अभी नेटवर्क पे कोई भी वर्क नहीं किया। 4G से डायरेक्ट 2G हो जाता है नेटवर्क, और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट वाली बात ये होती है कि कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे 4G अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाता, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कई सारे यूजर्स को ये प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है। और बात करें यहाँ पे एप्लीकेशंस यूजेस की, तो कई कई एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो है यूज़ करने में हो सकता है कि स्टॉप हो जाए, बट स्टेबल वर्जन में ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये बीटा वर्जन में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आप कोई भी ऐप ओपन करें तो उस ऐप में एररिंग का आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाए। बट देखिए कुछ चीज़ें तो स्टेबल वर्जन में भी आ जाती, कुछ चीज़ें जो है बीटा वर्जन में ही आती है, लेकिन स्टेबल वर्जन में भी आती कुछ चीज़ें, जैसे मैंने बताया आपको हीट की बहुत ज़्यादा समस्या हमको देखने को मिलती है। और अगर आप यहाँ पर हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, थोड़ा भी टेम्परेचर ज़्यादा है तो तुरंत इसके डिवाइस का हॉटस्पॉट पूरी तरीके से बंद हो जाता है। ठीक है, मतलब यूज़ नहीं कर पाते भाई, अगर आप सिस्टम या कंप्यूटर से अगर आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। और हीटिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या प्रॉब्लम है, बैटरी हो गया, हीट हो गया। ठीक है, और हैंग तो कह सकते हैं कि उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ सिनेरियोस पे जो है यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बाकी ऑलमोस्ट ये लगभग 90% कैप्चर कर जाता है। ठीक है, कहीं भी तो उसकी दिक्कत नहीं है, बाकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमको इस पर देखने को मिल रही है। आपके पास क्या प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो होपली वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।